हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 9 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम हो चुकी है यूनि वाली शिफ्ट की, और बच्चे बाहर आ रहे हैं उनसे लाइव रिले थोड़ा सा उधर दिखा दो, बच्चे आ रहे तो। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बच्चों द्वारा लाइव रिले लेते हैं और किस पोस्टन में टफ क्वेश्चन पूछे, ईवीएस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सब की जानकारी लेंगे। सर थोड़ा बाइक पीछे दे लीजिएगा। सर कितना स्कोर किया आपने? क्या? कितना स्कोर किया आपने? 99। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी, ठीक है। मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया, नंबर कितने आए? 97। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी किस प्रकार का पेपर था? अच्छा था। मैम कितना स्कोर किया, स्कोर कितना किया? 80। और पूछ लेते हैं, और थोड़ा सा आगे आ जाओ। मैम कितना स्कोर किया आपने? 81। कौन सी कैटेगरी? 85। कौन सी कैटेगरी? जनरल। मैम कितना स्कोर किया? 80। एक मिनट दे रही। अच्छा बच्चा, मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर तो कम ही है सर, जीके थोड़ी टफ थी। सर कितना स्कोर किया? डियर सर, सर आपने? वेरी गुड। हाँ दीपक साहब, आपने कितना स्कोर किया? बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। और चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा आ गया। मैम कितना स्कोर किया आपने, स्कोर कितना किया? स्कोर सर अच्छा नहीं रहा, 92 है सर। मैम आपने कितना किया? एक मिनट, कितना स्कोर किया आपने? मेरा 50 का लगभग। एक मिनट दे रही है, थोड़ा सा है। सर बाइक थोड़ा पीछे लीजिएगा। बता सकते हो चाइल्ड लोन में पेडागोजी किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया? एग्जाम तो अच्छे गए, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना मैथ्स के ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा मैथ्स के। और लैंग्वेज में हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए? वही बालक के। अच्छा, और गद्यांश में पद्यांश वो आए, ऑपोजिट वगैरह आए हैं वगैरह, पेंशन वगैरह आए हैं वो सारे। और इंग्लिश में असम पे से वगैरह आए बस। अच्छा इंग्लिश में अंतिम पे से। एंटोनिम सिनोनिम कुछ पूछा गया क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऑपोजिट वगैरह बस। और मैथमेटिक्स कैसी थी? मैथमेटिक्स से अच्छी थी। और इन्वायरमेंट वो भी अच्छी। थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? एक मिनट, कार आ रही। 105। एक मिनट, कितना कैसा था चाइल्ड लोन पेडागोजी किस प्रकार की? नहीं वो मेरी मतलब मैं उस सब्जेक्ट से नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे नहीं पता। लैंग्वेज में हिंदी में किस प्रकार? हाँ, हिंदी इंग्लिश मैथ्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस ठीक थे। हाँ, बाकी कुछ बेकार। अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप। बिल्कुल। हिंदी में गद्यांश और पद्यांश किस प्रकार कुछ? गद्यांश पद्यांश बहुत ईजी थे, बहुत ईजी थे। गद्यांश पद्यांश बहुत ईजी थे। और इंग्लिश का भी बहुत, पोएटिक जो पोर्शन होता है इंग्लिश का वो थोड़ा सा वीक था, बाकी वो जो पैसेज होते वो तो ठीक ही थे। बिल्कुल सही एनालिसिस कर रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। इसीलिए आई ताकि कल किसी को पता। बिल्कुल मैम, अच्छा लगता है कि यार आप एनालिसिस दे रहे हो किसी के आगे वाले फ्यूचर के लिए। और बता दीजिए। नहीं बस लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड दोनों ही अच्छी, मैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही लैंग्वेज। अच्छा है। इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में बहुत इजी है, मतलब ग्रामेटिकल पोर्शन था बस, और कुछ नहीं है, बहुत 8th लेवल के क्वेश्चन। और ईवीएस से? ईवीएस मतलब 50-50, अच्छा बुरा। और पेडागोजी वो जो बाल विकास वाला पोर्शन वो मेरा नहीं है। मैथमेटिक्स वो बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। ठीक है, थैंक यू मैम। सर कितना स्कोर किया आपने? हाँ सर कितना स्कोर किया आपने? मैंने 90 किया सर। 90 किया। कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी जनरल है सर। जनरल, ठीक है, थैंक यू। एक और भैया, अरे सुन, कितना स्कोर? 127। आपने? आपने 127। 102। 102 कौन सी कैटेगरी? जनरल। जनरल, बता सकते हो किस प्रकार चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए? मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन तो इजी थे, बस चल रहा था। अच्छा लैंग्वेज वन में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? ठीक ठाक थे क्वेश्चन, अच्छे थे, कुछ एक क्वेश्चन टफ थे जो समझ नहीं आए, बाकी अच्छे क्वेश्चन। और लैंग्वेज टू में? लैंग्वेज टू में भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, कोई एक क्वेश्चन तो सब में लेंथी थे, बाकी सारे क्वेश्चन इजी। आज का हाईएस्ट लैब में कितना रहा? हाईएस्ट लैब में 105 या 106। आप कौन सी कैटेगरी को सर? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। और ईवीएस कैसी पूछी? ईवीएस में भी अच्छा पूछा। अच्छा था। और इसमें मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा बेटर थे सबसे। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से दिया। और मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया आपने? अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। मैम आइए, प्लीज़ वेलकम। हाँ चल रहा ना। हाँ कितना स्कोर किया आपने? 106। 106 आज के हाईएस्ट। मैम ये मेरे को मिले हैं, क्या नाम शुभ नाम आपका? चेतना भारद्वाज। कहाँ से आए आप? बिनोता, निम्बाड़ा के पास। अच्छा राजस्थान से हो? हाँ। बिल्कुल राजस्थान के, आज फिर से राजस्थान टॉप कर रहे हैं भाई। तो बता सकते हो चाइल्ड लोन पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सर समझ पे डिपेंड वाले ज़्यादा थे। अच्छा, समझ आधारित ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, और लैंग्वेज मतलब भाषा हिंदी से किस पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे? पेडागोजी ईजी थी। ईजी थी बिल्कुल। किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए उसमें? गद्यांश पद्यांश थे कुछ, और बाकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन थे।
और व्याकरण से तो बहुत कम क्वेश्चन। अच्छा, व्याकरण से बहुत कम। हाँ। और हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? गद्यांश और पद्यांश कितने पूछे गए? एक गद्यांश एक पद्यांश था। एक गद्यांश और पद्यांश था। हाँ। और अनुलोम विलोम किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? एक एक दो दो क्वेश्चन थे इनके, ज़्यादा नहीं थे। एक दो दो क्वेश्चन थे। हाँ। और बताइए आप इसमें अपने संधि विच्छेद का ये नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, समास संधि विच्छेद एक भी क्वेश्चन नहीं था, नहीं था। अब लैंग्वेज टू की बात करते हैं, इंग्लिश की, इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें तो थे जैसे कि इसमें भी ग्रामर से रिलेटेड बहुत कम थे। अच्छा। बाकी लिटरेचर पार्ट से थे कुछ, कुछ पेडागोगी से रिलेटेड थे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स में सोल्व करने वाले ज्यादा थे, पेडागोगी कम थी उसमें। अच्छा। और सोल्व वाले ज्यादा। अच्छा, सोल्व वाले। विभाजकता से क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिशत वगैरह, सरलीकरण भी, बोर्ड मास वगैरह? हाँ, बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन थे और अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और बता दीजिए आप। बस सर, थैंक यू। और ईवीएस में? ईवीएस का तो थोड़ा लेवल हाई। अच्छा, लेवल हाई था। आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हुए ईवीएस के टोटली? सारी के अटेंड। अच्छा, आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा? मेरे को मैथ्स का सबसे अच्छा, मैथ्स का सबसे अच्छा लगा। तो और बता सकते हो बच्चे किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं? सर, मेरी तो पहले से तैयारी थी रीट वाली, इसीलिए। अच्छा, रीट वाली तैयारी थी। रीट में कितने नंबर है आपके? 123 नंबर है, तो बिल्कुल अच्छे नंबर है आपके। और बता सकते हो इसमें कि टाइम तो कम नहीं पड़ा 2.5 घंटे में? नहीं नहीं, मेरे आधा घंटा पहले। अच्छा, आधा घंटा, 2 घंटे में कम्प्लीट हो गया था। हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कौन सा अटेम्प्ट किया? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी। अच्छा, हिंदी अटेम्प्ट किया आपने। बिल्कुल। सिक्वेंस वाइज चलते गए आप, है ना? नहीं नहीं, मैं सबसे लास्ट। अच्छा, नहीं सिक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करते गए, एक से स्टार्ट किया सो तक आपने। हाँ। समय बिल्कुल कम नहीं पड़ा आपके। नहीं, किसी क्वेश्चन में उलझे तो नहीं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में कोई क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगा, ए लगाएं या बी लगाएं? हाँ, ऐसे थे एक दो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते। हाँ। कोई क्वेश्चन प्रिंटर वाला मिस्टेक तो नहीं आया था, प्रिंट मिस्टेक? एक क्वेश्चन लगा। अच्छा, एक क्वेश्चन लगाया आपको? बिल्कुल, बड़े अच्छे से एनालिस दिया आपने, बड़े धन्यवाद। आपके कितना है मैम? 102 नंबर है। क्या नाम सुना आपको? रविना शर्मा। कहाँ से आए हो आप? जावत, नीमच जिले से हो। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए? सर, वो जीन पियाजे के आए थे 6 क्वेश्चन। और अच्छा था पेपर, बहुत सरल था। अच्छा, और बता सकते हो लैंग्वेज में, भाषा हिंदी? हिंदी थी। अच्छा, हिंदी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी बिल्कुल सिंपल थी, गद्यांश के ज्यादा थे। अच्छा, 7-8 क्वेश्चन थे गद्यांश के। अच्छा, 7-8 क्वेश्चन इसके थे। और आपने लैंग्वेज टू में इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में किस प्रकार? इंग्लिश में भी पैसेज आए थे, पोएम आई थी। अच्छा, पैसेज और पोएम आई थी। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी किस प्रकार क्वेश्चन? मैथमेटिक्स सर बहुत इजी थी, एमपी पुलिस से भी इजी थी। अच्छा, एमपी पुलिस से भी इसको। बता सकते हो चैप्टर वाइज बता दो आपको? सर, भिन्न के आए थे। हाँ। और ये बिल्कुल सही एनालिसिस, एवरेज। हाँ। और हाँ, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन। अच्छा, त्रिकोणमिति से 3 क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए बता? सर, वो चतुर्भुज के 3 कोण दे रखे थे और 1 कोण ज्ञात करना था। अच्छा, अब बात करते हैं ईवीएस में एनवायरनमेंट पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? उसमें सर कुछ याद नहीं, याद नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा गया। तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? सर, अच्छे नंबर के वो सैटेलाइट से तो 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और ये जिन प्याजे से ज्यादा बन। अच्छा, और आप बताइए कि आपके समय को कम तो नहीं पड़ा? नहीं सर, बिल्कुल समय पर्याप्त मिला आपको, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, कोई भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। और आपने कितना घंटा तैयारी की वैसे? आपके सर, मेरा पुलिस का था। हाँ। और सर डीएड भी चल रहा है इसके। अच्छा, इसलिए आपके बीएड है कि डीएड है? डीएड, डीएड, डीएड चल रहा है अभी, रनिंग में है सेकंड ईयर। और बताइए आपने तैयारी कब से शुरू की थी आपने? सर मतलब कब से कर ही रहे, 2-3 महीने। अच्छा, दो तीन महीने से कर रही थे। बिल्कुल, आपने अपना रिव्यू देखा था रनिंग फिटनेस क्लब? हाँ सर, रोज देखती हूँ। उससे फायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, आपने सही एनालिसिस दिया बहुत। एक दो भैया, आपने कितना स्कोर किया? कितना स्कोर किया आपने? 85। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। ओबीसी, आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन एनवायरमेंट में जीके पूछा था। हाँ। मतलब करंट अफेयर भी पूछा। अच्छा। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने ली थी 2021 में? हाँ। केएल राहुल ने, विराट कोहली ने, और एक दो ऑप्शन और मुझे याद नहीं रहे। कोई शिक्षा निधि से क्वेश्चन पूछा गया? शिक्षा निधि से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया उससे भी। और करंट अफेयर से और क्या क्वेश्चन पूछा गया? करंट अफेयर से एक ही याद रहा, बाकी और एक दो क्वेश्चन और थे। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और थे। मैथ्स से कैसे पूछेगी? मैथ्स बहुत इजी थी। इजी थी, कैलकुलेटिव थी? हाँ, कैलकुलेटिव, पूरा कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स में क्या भिन्न थे? बिल्कुल। और उसके बाद अनुपात वाले भी अनुपात, थे। समानुपात, प्रतिशत पूछे गए? प्रतिशत, 2 प्रश्न प्रतिशत के थे। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन बने? त्रिकोणमिति से नहीं बने। और इससे विभाजकता को क्वेश्चन पूछा गया? विभाजकता से भी नहीं था, नहीं था आज, नहीं था। कैलकुलेटिव प्लस माइनस कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन थे। हाँ थे। सरलीकरण से क्वेश्चन था? वो इंटरचेंज वाले भी थे। अच्छा, इंटरचेंज वाले, प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं सर, रिलेटेड बना के। हां बिल्कुल। और पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगी? पेडागोजी बहुत मतलब अच्छी थी, लेवल की थी, बढ़िया, एक बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस दिया, बहुत धन्यवाद यार। अच्छा, इतना शानदार, अच्छा सा, थोड़ा सा भैया थोड़ा बाहर आ जाइए, बाहर ले लेते हैं थोड़ा सा, आइए। और किससे सर पेपर था आपका? पेपर था आपका? नहीं, पेपर नहीं था आपका?
ओले आपका पेपर था नहीं आपका पेपर था मैम पेपर था आपका कितना स्कोर किया आपने इसको 102 बहुत शानदार नंबर है आपके तो आपने बिल्कुल आप किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए बता दीजिए चाइल्ड भैया थोड़ा सा आगे आइए चाइल्ड पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन तो अच्छे थे लेकिन शायद मैं पढ़ लेती तो अच्छे स्कोर अच्छा अच्छा नहीं बहुत शानदार आप राजस्थान से हो क्या हाँ पीयर एमपी में ही है लेकिन अच्छा राजस्थान से तो आपने रीट दिया हाँ। कितने नंबर आए आपके रीट में तो 87 ही आए थे 87 आए थे हाँ। बिल्कुल अच्छे से आपका अच्छा नंबर है वैसे तो और लैंग्वेज में भाषा हिंदी किस प्रकार पूछी गई हिंदी में मीन्स जो पोएम थी ना पद्यांश है तो वो थोड़ा टफ लगा लेकिन गद्यांश तो अच्छा था सिंपल ही लगा और ये आपने संधि विच्छेद वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं व्याकरण के थे मतलब समास नहीं समास नहीं अलंकार पूछे थे दो तीन क्वेश्चन अलंकार अलंकार से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जिससे वो जो गद्यांश था ना उसी में से पूछ रहे अच्छा, थे उसी में तो अलंकार आपको याद अलग से नहीं पूछा अलग से कोई पूछा नहीं गया नहीं। अब लैंग्वेज टू में इंग्लिश किस प्रकार पूछी गई इंग्लिश में भी ठीक था मैं जैसे जो पैसेज था उसी में से क्वेश्चन थे हाँ। और बाकी तो कोई पैडागोजी थी थोड़ी अच्छा वही और बताइए आप और इसमें एंटोनियम सिनोनियम प्रीपोजिशन प्रोवर्ब वगैरह वो बस गद्यांश में से पूछा था कि एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया जैसे कॉन्स्पायर है कॉन्स्पिरेसी उसका मींस अपोजिट क्या होगा उससे सिमिलर क्या होगा इस तरीके से पैसेज में से थे अलग से नहीं दिया और सिंटेक्स वगैरह नरेशन ग्रामर थी शायद थोड़ी सी अच्छा प्रीपोजिशन आर्टिकल वगैरह पूछा गया उसमें तो वो डिटरमिनर एक प्रीपोजिशन है इस टाइप से बिल्कुल सही से एनालाइज कर रहे हो और आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कोई क्वेश्चन बना नहीं एक्टिव पैसिव वाइज कोई बना वर्ब प्रोवर्ब से नाउन प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स में ही थे अच्छा जैसे एक था ब्लैंक डैश आई गो टू वर्क फिर जॉगिंग से रिलेटेड था मीन्स की जैसे मैं काम पे जाता हूँ लेकिन फिर भी मैं जॉगिंग करने जाता हूँ अच्छा, इस टाइप से अब बात करते हैं मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे मैथ्स तो मेरे को टफ ही लगती है टफ ही लगती है आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे देखना मेरे कॉमर्स है लेकिन जो वो फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे ना भिन्न वाले उसमें वो बड़ी बड़ी डिजिट समय काटने पड़ा जैसे मीन्स 28/29 फिर 30/27 आपको क्वेश्चन उलझे तो नहीं ऐसा कि नहीं इसमें उलझ गए तो भिन्न में उलझी और फिर मैंने वो तो छोड़ के आगे निकल गए हूं आप तुक्का लगा के कर दिया मैंने बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि समय लग रहा है तो आपको तुक्का माने मार्किंग देनी करा था मैंने अच्छा एंडिंग में करा था कोशिश करी लेकिन इतने मल्टीप्लाई करने में बस तो आपने समय तो बिल्कुल कम नहीं पड़ा ढाई घंटे में से नहीं मुझे नहीं लगा अब ईवीएस की बात करते हैं ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए ईवीएस में स्पेस से थे रिलेटेड थोड़े से और तो क्रिकेट के भी था एक क्वेश्चन अच्छा अच्छा ये ऑरेंज कप किसको मिला था 2011 में इस टाइप से और खेल संबंधी अंतरिक्ष से संबंधित खेल संबंधी क्वेश्चन पूछे गए तब भूल गए बिल्कुल बिल्कुल आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो आप मतलब पढ़े हैं बस अच्छा, पढ़ना तो है ही है बिल्कुल पढ़ना तो है ही ना हाँ, जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे ठीक है थैंक यू मैम अच्छे से रिव्यू दिया आपने भैया आपके कितना था हो गया आपका हो गया और देख लेते हैं और किसका पेपर नहीं था आपका ठीक है एक मिनट तो आज देखा जाए तो आज का पेपर भी मेरे को 102 हाइस्ट मिले हैं आज के और आज का पेपर भी सरल था बस थोड़ा सा ईवीएस में थोड़ा डगमगा रहे हैं बच्चे ईवीएस में कहीं ना कहीं पोर्शन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोल सकते हैं पर आपके सिलेबस में दे रखा था ईवीएस से अंतरिक्ष से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत जितना भी हो बस थोड़ा सा करंट अफेयर्स से मिला के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके आप प्रैक्टिस पेपर लगाइए किसी भी टेस्ट खरीद लीजिए थोड़े समय में या दो तीन दिन में जितना हो रिवीजन करते जाइए जो पढ़ा है आपने वो रिकॉल करते जाइए उसको और बार बार आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ते जाइए बार बार तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आप अलग से पढ़ोगे तो समय बहुत लग जाएगा आपको पढ़ने में ठीक है अलग से कुछ मत पढ़ो आपके पास 3-4 दिन पढ़े हैं 5 दिन पढ़े या 10 दिन पढ़े हैं तो आप रिकॉल करते जाओ प्रीवियस जो पेपर हैं उनको रिकॉल करते जाओ और प्रैक्टिस लगाते जाओ एक दो प्रैक्टिस पेपर लगा लो आपके कितने नंबर आए या तो 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे या 2-3 नंबर कम हो जाएंगे पर मेरे को जहाँ तक लगता है आपने जितने टेस्ट पेपर में नंबर आ रहे हैं तो 2-3 नंबर आपके कम ही रहेंगे ज़्यादा किसी के मिलते नहीं है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जय हिंद जय भारत वंदे मातरम